देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी 10वीं पास किया है या 12वीं पास किया है और सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री लेना है, अर्थात कोई इंजीनियरिंग का छोटा मोटा कोर्स करके या कोई अच्छा सा कोर्स करके ज़िंदगी को सेट करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सच बताएं तो अगर ये वीडियो कहीं से भी आपको मिल चुकी है तो यकीन मानिए आप इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा कोर्स अपने लिए चुनने वाले हैं और अपने आप को एकदम बेहतर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए, इंजीनियरिंग मान के चलिए कि आपका एक मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई दरवाजे हैं। अगर आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो इन सभी दरवाजे को आपको पार करना होगा। तो इंजीनियरिंग फील्ड में एकदम सर्वश्रेष्ठ पोजिशन पर जाने के लिए, अर्थात उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, आपको 3 पॉपुलर कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है ITI कोर्स, दूसरे नंबर पे आता है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स और तीसरे नंबर पे आता है BTech कोर्स। ITI कोर्स उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहला दरवाज़ा है, अर्थात ITI कोर्स इंजीनियरिंग में सबसे कम समय में पूरा होने वाला कोर्स है। ये कोर्स मात्र 2 साल का होता है और इस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में समझ जाइए कि मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छे से जान सकते हैं। ITI कोर्स के बारे में बात करें तो इस कोर्स को आप 10वीं बाद कर सकते हैं। 10वीं बाद इस कोर्स को करने में मात्र 2 साल का समय लगेगा और फीस बिल्कुल 9 के बराबर लगेगी। इस कोर्स को करने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में आप कुछ कुछ चीज़ें जान सकते हैं और इस कोर्स के बाद अगर आप जॉब भी करना चाहें तो आप 10 से 12 हज़ार पर मंथ की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है इंजीनियरिंग का पॉपुलर कोर्स, जो कि है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स को आप चाहे तो 10वीं बाद से कर सकते हैं और चाहे तो 12वीं बाद से भी कर सकते हैं। 10वीं बाद से ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है और 12वीं बाद से ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है। और ये कोर्स इंजीनियरिंग में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप मान के चल सकते हैं कि दूसरा दरवाज़ा है। ये भी कोर्स मात्र 3 साल में कम्प्लीट हो जाएगा 10वीं बाद और 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा 12वीं बाद। इस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं, अर्थात जय साहब कहे जाते हैं। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो अंतिम दरवाज़ा है, अर्थात जिस दरवाजे को पार करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इंजीनियरिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, उस पॉपुलर कोर्स का नाम है BTech कोर्स, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग में लगभग बैचलर बन जाते हैं, अर्थात पूरी तरीके से सीनियर इंजीनियर कहे जाते हैं। ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, अर्थात 12th आप कम से कम PCM सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद से ही आप इस कोर्स को लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स को करके सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने इंजीनियरिंग में top 3 ऐसे कोर्सेज को बताया जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको अपने लिए डिसीज़न लेना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। देखिए, BTech कोर्स की फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होती है, तो अगर आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति, अर्थात आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, तो आप BTech कोर्स ना करके ITI कोर्स या पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद से खुद को स्टेबल करने के बाद, अर्थात खुद के पास पैसे जुट जाने के बाद, आप BTech कोर्स कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत कोई नहीं है, अर्थात आर्थिक स्थिति आपकी सही है, तो आप डायरेक्ट BTech कोर्स कर सकते हैं 12th बाद। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें मुझसे, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 30,000 से 50,000 में आप 3 साल का कोर्स ये कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। ये भी काफ़ी कम फीस में होने वाला कोर्स है। इस कोर्स में भी जितना लगेगा उतना वापस आ जाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो के माध्यम से इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज को मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन से कोर्स का चुनाव करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी सी भी डाउट बच गई हो तो उसे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। अगला वीडियो आपके उसी डाउट पे होने वाला है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक अंदाज में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दी जाती है।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।